आज हम मूंग की दाल के हलवे की ये झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति वर्मा अपने फूड चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने 1 कप मूंग की धुली हुई दाल ली है। इसको धोकर मैंने 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। अब हम इसका पानी ड्रेन करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। दाल को हमें दरदरा सा पीसना है। यहाँ पर दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है। इसके लिए यहाँ पर ही मैंने 1/2 कप घी लिया है, कंडेंस मिल्क, कुछ दूध में मैंने केसर के धागे डाल दिए थे, 1 ग्लास दूध लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पैन में घी डाल देंगे। घी के मेल्ट होते के साथ ही हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें अभी लो पर ही रखना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें अच्छा कलर आ गया है। इसको 5-7 मिनट मैंने इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लिया है और घी भी सेपरेट होने लगा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये जो हमने दूध लिया था इसमें दूध ऐड कर देंगे। पहले हम इसमें 1/2 दूध ऐड करेंगे कि अभी हमें इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। आप इसकी बजाय यहाँ पर चीनी का यूज भी कर सकते हैं। सभी को मिक्स कर लेंगे। ये जो केसर वाला दूध हमने लिया था इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम बाकी का बचा हुआ दूध भी ऐड कर देंगे। इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है, बस इतना ही दूध सफिशिएंट है। आप दूध के बजाय इसमें पानी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब इसे लगातार चलाते हुए हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखकर इसको इसी तरह से होने देंगे। इसको अब हम लगातार चलाते हुए बनाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता और इससे घी सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर मूंग की दाल के हलवे से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसमें और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घी भी इससे सेपरेट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। सभी को मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा हलवे का एक एक दाना दाना अलग हो गया है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। अगर हम कहें कि मूंग की दाल का ये हलवा अब घंटों में ना बनकर मिनटों में बनकर रेडी होगा तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, इस मूंग की दाल के हलवे को हमने 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार किया है एक नए तरीके से। इसको अब हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारा मूंग की दाल का हलवा बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।